नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की एक नई रेसिपी, जो कि आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है 500 ग्राम करेला। इसको मैंने लंबे लंबे साइज में, ऐसे पीसेस में, मतलब इस तरह से कट कर लिया है। अच्छे से मैंने इसको धो लिया था पहले, और मैंने ऊपर का जो थोड़ा इसका छिलका रहता है वो निकाला नहीं है मैंने। आप अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं निकाला है। इसको इसी तरह से पतले पतले पीसेस में कट कर लेने का है, लंबे लंबे साइज में। और मैंने लंबा वाला ही करेला लिया था, एकदम ताज़ा करेला था। तो इस तरह से इसको मैंने कट करके ले लिया है। और क्या है ना, मॉइस्चर रहता है करेले में, तो मैंने इसको एक कॉटन के कपड़े पे बिछा करके, और इसका पानी मैंने थोड़ा अच्छे से सुखा दिया था। एक घंटे के लिए मैंने इसको पंखे के नीचे हवा में रख दिया था, ताकि इसका जो मॉइस्चर है, जो इसका खुद का जो रहता है ना मॉइस्चर, वो थोड़ा कम हो जाए। इससे क्या रहेगा, पानी अगर इसका जितना ही सूख जाएगा ना, उतना ही अच्छा रहेगा, और बहुत ही बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और क्या, अगर धूप, तो अभी आजकल बारिश का मौसम है, होता नहीं है ज़्यादा, तो क्या करें, पंखे के नीचे इसको एक घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं, आपके पास अगर टाइम रहे तो। और अगर धूप अगर कभी रहे, अगर आप तब बनाओ, तो धूप में भी इसको एक आधे घंटे के लिए आप दिखा सकते हैं धूप को, और बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ अभी मैं क्या करूँगी, इसमें पहले मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ऊपर से। नमक इस तरह से इसमें मिला लेने का है, आप मात्रा के हिसाब से नमक अभी पहले ही मिला लेंगे, बाद में नमक नहीं डालेंगे। जितना आपका, मतलब जितना इसका ज़रूरत हो, मात्रा के हिसाब से इसमें नमक डाल लेने का है। अब नमक डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। इस तरह से हम अगर नमक डालने के बाद पहले से इसको मिला लेंगे, तो सब जगह अच्छे से नमक पहुँच जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी का पाउडर। अब इसमें मैं एक चम्मच भर के हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। आपको जितना पसंद हो कलर, जितना आपको हल्दी डालना है डाल सकते हैं, डार्क लाइट जितना हल्दी इसमें डालेंगे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं हल्दी, लेकिन इस पर डालने से थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। अब इस तरह से हल्दी डालने के बाद ही मैं इसको अच्छे से हल्दी के साथ मिला लेती हूँ, ताकि हल्दी भी हर जगह लग जाए और पहुँच जाए। अब यहाँ हल्दी भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स करके ले लिया है। तो अभी हम चलेंगे, क्या करेंगे, गैस की तरफ चलेंगे। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल ज़्यादा रहना चाहिए, थोड़ा तेल नहीं इसमें डालना है, बाद में तेल आपका बच ही जाएगा, तेल इसमें ज़्यादा यूज नहीं होगा। लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा तेल लेंगे ना, तभी हम इसको अच्छे से बना पाएंगे। तेल तो पूरा बाद में पूरा अपना निकल जाएगा, तेल इसमें नहीं रहेगा ज़्यादा। तो अभी तेल अच्छे से गर्म करके ले लेने का है। अब हम इसमें सारा जो करेला है इस तरह से जितना आ सकता है डाल देंगे, एक साथ नहीं डालना है इसमें, जिसे एकदम फास्ट गैस पे हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से इसको चलाते हुए हम, जब तक ये थोड़ा एकदम क्रंची ना हो जाए, एकदम आराम आराम से इसको फ्राई करेंगे, और चलाते हुए इसको फ्राई करना है। और तो आप देख सकते हैं इसका मॉइस्चर धीरे धीरे अब जा रहा है, अब थोड़ा ये धीरे धीरे क्रंची हो रहा है। गैस का फ्लेम फास्ट ही रखना है, स्लो नहीं करना है, जिसको थोड़ा टाइम लगता है। गैस का फ्लेम फास्ट करके आराम आराम से इसको फ्राई करना है, लेकिन चलाते रहने का है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम लाल हो चुका है, बिल्कुल इसका मॉइस्चर चला गया है, क्रंची भी हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी हम इसको एक बर्तन में सारा निकाल देंगे, तेल हम पूरा इस तरह से झाड़ देंगे, ताकि ये सारा तेल नीचे आ जाए, इसमें सारा तेल निकल जाएगा, तेल टिकता नहीं है इसमें, सब तेल हमारा इसमें से निकल जाएगा। इसी तरह से निकाल करके ले लेता है। अब बाकी का बचा भी इसी तरह से फ्राई करके ले लेने का है। अब ये भी हो चुका है, अब इसे भी एक बर्तन में सारा निकाल लेंगे। पानी इस तरह से तेल को सारा छान करके निकाल लेता है। तो आप देख सकते हैं तेल ज़्यादा नहीं यूज हुआ है, बस फ्राई करने के लिए थोड़ा तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा करेले का क्रंची वाली
सब्जी बनके तैयार हो गया है। आप इसको सब्जी कहें या तो आप और कोई नाम दे सकते हैं। तो आप सबको मेरे करेले की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसे आप बना करके एक से दो दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसका एकदम मॉइस्चर पूरा निकल चुका है। तो इसको आप एक से दो दिन तक स्टोर करके भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको दाल चावल के साथ, चपाती के साथ भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और मेरी रेसिपी अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे वीडियो को आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।